स्टूडेंट्स, जो हमने किया था, हमने इसकी नॉर्मल लेक्चर शुरू की थी और उसमें हमने चंदे चीज़ें कर ली थी। मसलन कि हमने ये देखा था कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्स, इन्होंने अल्केन को नाम देने का कौन सा मेथड दिया है। उसके बाद हमने ये किया था कि अल्कीन्स को नाम देने का कौन सा मेथड होगा, और अपने लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि अगर अल्काइन्स को नाम देना है तो अल्काइन्स को नाम इस मेथड के थ्रू देंगे। और आज हम उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो आज हमने ये करना है कि हमारे पास वो कंपाउंड है जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। जब हम मल्टीपल बॉन्ड्स की बात करते हैं तो इधर दो तरह के बॉन्ड्स आ जाएंगे। नंबर एक आ सकता है यहाँ पे डबल बॉन्ड, और नंबर दो आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। जिस कंपाउंड के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स दोनों आ जाएंगे, उस कंपाउंड को हमने नाम कैसे देना है। तो इसके लिए भी हमने जो करना था वो ये आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट जो हमने करना है नोमेनक्लेचर में, चाहे वो अल्केन का हो, चाहे वो अल्कीन का हो, चाहे वो अल्काइन्स का हो, पहला काम ये होता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। क्या काम करना है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन अल्केन में हमने कहा था मैक्सिमम कार्बन एटम की होगी, अल्कीन में हमने कहा था कि मैक्सिमम डबल बॉन्ड की होगी, और अल्काइन में हमने कहा था मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड की होगी। तो जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड्स, तो यहाँ पे हमने करना है कि यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन या लॉन्ग चेन। अब किसकी आ जाएगा? ऑफ कार्बन एटम्स। किसकी आ जाएगा? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। अब इसमें क्या होगा, इसमें कौन से कार्बन एटम आएंगे हैविंग मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड्स, हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स। क्या आ जाएगा यहां पे? हमने वो लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर ली है जिसके अंदर मैक्सिमम हमारे पास क्या होंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये दोनों काम भी आ जाएंगे, हमारी लॉन्ग चेन में आएंगे। इसके बाद नंबर दो हमने लिया था, नंबर द कार्बन एटम्स, नंबर द कार्बन एटम्स ऑफ लॉन्ग चेन, कहां पे आ जाएगा? ऑफ चेन। अब जो चेन जो आप लोगों ने सिलेक्ट की है, क्या काम किया है, चेन जो आप लोगों ने सिलेक्ट की है उसमें जितने भी कार्बन एटम्स आते हैं उसको हमने क्या काम करना है, नंबर देना है। नंबर देते वक्त आप लोगों ने जब लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर ली तो वहां पे हमने ये नहीं कहना कि इसके अंदर कार्बन एटम ज्यादा है। जस्ट लाइक अल्केन्स और अल्कीन्स, हमने क्या काम किया है, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स, अल्कीन्स में हमने डबल बॉन्ड को कंसीडर किया था और अल्काइन्स में हमने ट्रिपल बॉन्ड को कंसीडर किया था। हम किसी और नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर नहीं गए थे। हमने देखा था कि अगर हमारे पास जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहे कम भी है, लेकिन अगर वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कवर कर रहे हैं तो भी वो क्या बन जाएगा, लॉन्ग चेन बन जाएगी। तो यहाँ पे भी यही कहना है कि लॉन्ग चेन वो होगी इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा होंगे। अब उसके बाद क्या करना है, नंबर द कार्बन एटम्स इन द लॉन्ग चेन। इसके बाद नंबर तीन जो आ जाएगा वो ये है जी, नंबरिंग स्टार्ट कहां से करनी है। नंबर जो है जो हमने देना है लॉन्ग चेन को, वो नंबर स्टार्ट कहां से करना है। तो अगर कंपाउंड में डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही है तो आपने ये देखना है कि नजदीक कौन सा बॉन्ड है। बात समझा गई? ये नहीं होगा कि वो डबल बॉन्ड है या वो ट्रिपल बॉन्ड है, आपने ये देखना है कि नजदीक कौन सा बॉन्ड है। जो नजदीक होगा उसकी नंबरिंग हम उधर से शुरू कर देंगे। क्या काम करेंगे? जो नजदीक होगा हम उधर से उसकी नंबरिंग शुरू कर देंगे। इस तरह के हम देखते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, नंबर हमने स्टार्ट करना है नियरेस्ट मल्टीपल बॉन्ड, कहां से उसका नंबर शुरू कर देना है, मल्टीपल बॉन्ड से हमने उसका नंबर शुरू कर देना है। अब मल्टीपल बॉन्ड्स मैं बार बार बता देता हूं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जो नजदीक आप उधर से उसकी नंबरिंग शुरू कर दो, ठीक होगी बात।
फॉर एग्जाम्पल आप ये लो जरा कि अगर कंपाउंड ये वाला है कार्बन आगे, ये पहले हम एक लॉन्ग चेन ड्रा कर लेते हैं, हम यहाँ पे एक और कार्बन यहाँ पे कर देते हैं, फिर डबल बॉन्ड आता है और यहाँ पे कह देते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड आता है। बात समझ आ रही है? हमने क्या किया कि ये एक लंबी कार्बन के चेन ड्रा की, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी ड्रा कर दिया, उसके साथ कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड भी आ गया। तो नंबर स्टार्ट फ्रॉम द नियरेस्ट मल्टीपल बॉन्ड, अगर ट्रिपल नस्लीय करता है नंबर उधर से करते हैं, अगर डबल नस्लीय करता है उधर से नंबर करते हैं, ठीक होगी बात। तो आप इसकी नंबर जो गया ट्रिपल नस्लीय का, तो ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और आगे आ जाएगी 7। हाँ एक और केस देखिए जरा कि जहां पे अगर मैं ये कर देता हूं कि डबल बॉन्ड है, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, आप क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है तो हम इसकी नंबरिंग करेंगे कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, ये 4, 5 और ये आ जाएगा कार्बन नंबर 6 आ जाएगा। बाकी इसकी वैलेंसी आप उसी तरह इसके साथ इष्टकार के पूरी करोगे। ये मैं इसकी एक ही कर भी देता हूं कि यहां पे हमने लगा देने हैं इस कार्बन की वैलेंसी को हमें सेटिस्फाई करना है, तो ये इस कार्बन की वैलेंसी यूं सेटिस्फाई होगी। और नीचे वाली इस चेन को हम ए का नाम देते हैं और इसको हम बी का नाम देते हैं। ए में मैंने कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी है और बी जो चेन है इसके अंदर मैं जस्ट बॉन्डिंग की पोजीशन शो कर रहा हूं और यहां पे आपने भी खुद इस लगा के इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। खैर अब इसके बाद हम ये कर लेते हैं कि अगर डबल बॉन्ड्स आइडेंटिकल पोजीशन, अगर मल्टीपल बॉन्ड्स, ये हमने कहा कि नियरेस्ट हैं, नियरेस्ट से मतलब क्या लोगे कि अगर मल्टीपल बॉन्ड्स जो है वो आइडेंटिकल पोजीशन पे नहीं है, क्या है कि मल्टीपल बॉन्ड्स जो है वो आइडेंटिकल पोजीशन पे नहीं है, फिर आप करोगे नियरेस्ट को। और अगर ये दोनों आइडेंटिकल पोजीशन के ऊपर आ जाते हैं तो अब देखें जरा, मैं यहाँ पे जो चौथा पॉइंट लगा लेता हूं कि इफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर एट आइडेंटिकल पोजीशन, आर एट आइडेंटिकल पोजीशंस, मतलब के दोनों की पोजीशन क्या एक जैसी है, तो यहां पे हमने क्या काम किया है, इधर मैं इसके साथ मेंशन कर देता हूं कि इस पॉइंट से मुराद आपने क्या लेना है। पहले मैं इस पॉइंट पे बात करता हूं, तो आइडेंटिकल पोजीशन से मुराद ये वाला है कि ये जो हमारे पास एक लॉन्ग चेन आ गई, यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां पे कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। इससे मतलब आप क्या दोगे कि एक तरफ आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर से देखें कार्बन वन के साथ डबल बॉन्ड है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है, और अगर उधर से आते हैं कार्बन वन के साथ डबल बॉन्ड है। तो इस केस में हमने नंबरिंग कहां से शुरू करनी है, तो यहां पे नंबर स्टार्ट क्या काम करेंगे, नंबर स्टार्ट फ्रॉम डबल बॉन्ड, कार्बन क्या काम करेंगे कि वो कार्बन जो डबल बॉन्ड के पास आ रही होगी, हम क्या काम करेंगे उस कॉर्नर से उसकी नंबरिंग शुरू कर देंगे। इस तरह के देखें कि अगर ये दोनों आइडेंटिकल पोजीशन के ऊपर पड़े हुए हैं तो हम इसकी नंबरिंग कहां से कर देंगे कि ये आ जाएगा डबल बॉन्ड नजदीक है तो फिर ये 1 कार्बन, ये 2, 3, 4, इसके साथ 5 और ये आ जाएगा कार्बन नंबर 6 आ जाएगा। अब उसी तरह आप इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करोगे, तो ये मैंने इसके बॉन्ड शो कर दिए हैं, यहाँ पे हम क्या लगाते जाएंगे जी, हाइड्रोजन लगाते जाएंगे। क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा के इन सब की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा कि जो चेन है, जो साइड ब्रांच है, साइड ब्रांच नंबरिंग को इफेक्ट नहीं करेगी। क्या मैंने बोला है कि जो साइड ब्रांच है वो नंबरिंग को इफेक्ट नहीं करेगी। साइड ब्रांच नंबरिंग को इफेक्ट उस वक्त करती है कि जब हमारे पास दो से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे। देखें जरा, आपने क्या, हमने ये कर दिया कि नंबरिंग आपने कर दी उधर से जहां से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक आ गया, और अगर दोनों बराबर है तो फिर आप यहां से मतलब शुरू कर दो, ऐसे नहीं बात। जो अगर दोनों बराबर है फिर डबल बॉन्ड को ले लो, ठीक होगी बात। अगर दोनों मल्टीपल बॉन्ड्स प्रॉपर है फिर आप डबल बॉन्ड से कंसीडर करोगे, यहाँ पे जो ब्रांच है नंबरिंग को इफेक्ट नहीं करेगी। बात समझ आ गई? अगर एक से दो से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे तो फिर आप देखो, अगर देखोगे कि यहाँ पे आप इसके साथ भी केस लिख देता हूँ
पांचवा पॉइंट ये आ जाएगा इफ टू मल्टीपल बॉन्ड्स आर एट आइडेंटिकल पोजिशन, क्या आ जाएगा कि ये दोनों कौन है, ये क्या है एट आइडेंटिकल पोजिशन है। तो अगर यहां पे थर्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है या मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो यहां पे भी तो ये आपका पॉइंट फोर फॉलो हो गया, और अगर उसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल पोजिशन के ऊपर है देन नंबरिंग स्टार्ट अकॉर्डिंग टू थर्ड मल्टीपल बॉन्ड के जो थर्ड मल्टीपल बॉन्ड नजदीक आएगा नंबरिंग आप उधर शुरू कर दोगे। आप इस तरह के आप इधर देखें, इधर बात कर लेता हूं कि कार्बन वन है, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, सेवन कार्बन ले लेते हैं हमने, यहाँ पे सात कार्बन ले, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों आइडेंटिकल है, और ये एक और ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया है। ठीक हो गई बात, ये एक और क्या आ गया ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया। अब इस केस में हमने क्या काम करना है, हमने देखना है कि अगर ये दो आइडेंटिकल है फिर आपके पास थर्ड बॉन्ड होगा, ये नंबरिंग को डिसाइड कर देगा। सही होगी बात, तो इस तरह से हमने उसकी नंबरिंग को करना है। तो ये क्या आ जाएगा, इधर से देखते हैं वन टू थ्री के साथ कौन है ट्रिपल, और इधर से वन टू थ्री और फोर के साथ है, तो नंबरिंग आ जाएगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये आ जाएगा सेवन। इस तरह से हम उसकी नंबरिंग करेंगे। इसके बाद आप इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करोगे, इसके साथ एक एक जाएगा, आगे इसकी फोर वैलेंसी पूरी है, इसकी फोर पूरी है, इसकी फोर पूरी है, आगे इसके साथ आप दो एच लगा दोगे, इसके साथ एक एच आ जाएगा और इसके साथ दो एच आएंगे, इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब इसके बाद हमने अगर इस कंपाउंड को नाम देना है, नाम देने के लिए क्या हमारे पास कौन सी अरेंजमेंट आएगी, तो उसमें नंबर एक आ जाएगा, आपने देनी है पोजिशन ऑफ ब्रांचेस, उसके बाद आ जाएगा नंबर ऑफ ब्रांचेस, क्या आ जाएगा नंबर ऑफ ब्रांचेस, इसके बाद नंबर तीन पे आ जाएगा नेम ऑफ ब्रांचेस, क्या आ जाएगा नेम ऑफ ब्रांचेस। लेकिन ये क्या है, जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था एल्कीन्स का केस, अल्काइन्स का केस करवाया था, अल्काइन्स का केस करवाया था, तो वहां पे आप कैसे चले थे अल्फाबेटिकली, कैसे चले थे अल्फाबेटिकली, मतलब जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसकी पोजीशन बता दो, आगे उसके नंबर बता दो, आगे उसका नेम बता दो, उसके बाद अल्फाबेटिकली लेटर आता है आप उसके नंबर बता दो, आगे उसका नेम पोजीशन बताओ, आगे उसका नंबर बताओ, आगे उसका बता दोगे नेम बता दोगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा नंबर फोर, नंबर फोर पे हमने ये करना है कि पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड के जो डबल बॉन्ड है आप उसकी पोजीशन को बताओगे, क्या काम करोगे, जब आपने नंबरिंग अल्फाबेटिकली कर ली है, आपने उसको ये सॉरी आपने उसका ब्रांचेस के साथ अल्फाबेटिकली काम कर लिया है, उसके बाद हम करेंगे पोजीशन या पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड। इसके बाद आ जाएगा नंबर सिक्स पे आ जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और ये कार्बन एटम्स कहां पे होंगे लॉन्ग चेन में, क्या आ जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन लॉन्ग चेन, मतलब अगर चार है तो ब्यूटा, पांच है तो पेंटा, छह है तो हेक्सा, सात है तो हेप्टा, आठ है तो ऑक्टा, नौ है तो नोना और दस है तो डेका, इस तरह से करके आप उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम को भी मेंशन करोगे। इसके बाद जो नंबर सिक्स पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे आपने बताना है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, क्या काम करोगे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और नंबर डबल बॉन्ड लगाने के बाद आपने कर देना इसके साथ लगा देना है ईन, डबल बॉन्ड के नंबर बताने के बाद आगे क्या आ रहा है उसके साथ ईन आ जाएगा,
इस अल्कीन होगा जो शो करेगा कि ये अल्कीन से फ्लोट कर रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। और उसके बाद जो सातवां पॉइंट आ जाएगा पोजीशंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, क्या आ जाएगा पोजीशंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद जो आठवां पॉइंट है वो आ जाएगा नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। और नंबर जो नाइन पॉइंट आ जाएगा ये आपने लगा देना है एंड पे आइन, क्या लगा दोगे आइन को लगाओगे। अगर मैं इस पॉइंट को यहां से रेज करते हैं ना इसके साथ ही देता हूं नंबर और ट्रिपल बॉन्ड लगाने के बाद आपने एंड पे क्या लगा देना है उसके साथ आइन लगा देना है। तो इस तरह से आपने किसी भी कंपाउंड का नाम देना है। तो ये जो मैंने यहाँ पे चंद एक एग्जांपल्स मेंशन की हैं, हम इन्हीं एग्जांपल को नाम देते हैं। नाम देते वक्त हमने क्या काम किया से अगर हमने ये एक लॉन्ग चेन रखी हुई है तो इसके मैं पहले एच को सेटिस्फाई कर लेता हूँ, ये आ गया है, हम इसकी नंबरिंग कर दी थी पहले कि ये नंबरिंग इधर से चलती है और उसके बाद हमने किया कि इस तरह कोई ब्रांच नहीं है, क्या है इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं है। तो जब यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं आ जाएगी तो आपके ब्रांचेस वाले पहले तीन पॉइंट स्किप हो जाएंगे, उसके बाद आ जाएगा पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, वो कौन सी है डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है फाइव है, इसका नाम क्या बन जाएगा फाइव, क्या जाएगा फाइव आ जाएगा। पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड कार्बन एटम कितनी है, कार्बन सात है और नंबर डबल बॉन्ड कितने एक ही है, तो सात कार्बन क्या होता है तीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा फाइव है तीन। मैंने यहाँ पे तीन के साथ आगे कुछ ऐसा डिजिट नहीं लगाया कि डाई है ट्राई है, एक उसके साथ मोनो आएगा मोनो का मेंशन नहीं करोगे। और फाइव क्या बन जाएगा हेप्टीन, उसके बाद आगे क्या आ जाएगा पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, वो कौन सा होगा वन होगा, वो कौन सी पोजीशन होगी वो उसकी पोजीशन नंबर वन होगी। तो वन क्या बन जाएगा हेप्टाइन, वन के साथ आप क्या लगा दोगे आगे इसके साथ आ जाएगा आइन, क्या आ जाएगा वन आइन आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस कंपाउंड का नाम दोगे। और इस कंपाउंड का नाम देख लेते हैं, मैं इसको यहाँ पे ये कर देता हूँ जैसे यहाँ पे CH3 आ गया है, यहाँ पे अगर CH3 है तो हम इसको ये देखेंगे नंबर इसका कौन सा है पोजीशन का, ये आ जाएगा थ्री मिथाइल, क्या आ जाएगा थ्री के साथ लगाओगे आप मिथाइल और आपके आ जाएगा और भी चेन है तो वन क्या आ जाएगा वन, और क्या है सिक्स है, सिक्स क्या होता है हेक्सा, क्या होता है हेक्सा और एक और बॉन्ड बन जाएगा हेक्सीन, क्या बन जाएगा वन हेक्सीन, एक और बन जाएगा हेक्सा वन ई बनेगा। इसके आगे आप लोगों ने क्या काम करना है वन हेक्सीन और उसके साथ आगे आपने क्या लगा दिया फोर, उसके ट्रिपल बॉन्ड है फोर के साथ क्या आ जाएगा आइन, क्या आ जाएगा आइन आ जाएगा। लेकिन ये आप करोगे कि हेक्सीन आप अकेला भी अगर लिख लो तो वन ई लिख लो, ये आप कर दो इसके साथ हेक्सा और आगे आप कर दोगे वन ई भी इसका नाम बन सकता है, कैसे नाम बन सकता है थ्री मिथाइल हेक्सा आगे आ जाएगा वन ई और उसके साथ आ जाएगा फोर के साथ क्या आ जाएगा आइन आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस कंपाउंड का नाम दोगे, बाकी कंपाउंड का भी आप इससे कॉरेस्पॉन्डिंग नाम देते जाओगे। तो ये जो था हमारा नॉमिनेचर का काम भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया और कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमारा लेक्चर होगा हम उसमें अपना प्रॉपर चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड का शुरू